एथेंस के बाद स्पार्टा यूनानी कदीम की एक अहम रियासत थी। इसके निज़ामी हुकूमत में बुनियादी तौर पर अस्करियत और हुकूमत के हमागीर इक्तदार के तसव्वुरात कारफरमा थे। इसके बावजूद स्पार्टा में इन जमहूरी इदारों का वजूद अनका नहीं था जो ममलकत एथेंस की खसूसियत थे। स्पार्टा बुनियादी तौर पर एक फ़ौजी ममलकत थी। ऐसी ममलकतें अगरचे बाहमी मशाबरत वाले इदारों से नहीं चला करती, इसके बावजूद स्पार्टा की भी असल कुव्वत एक बाइक्तदार इदारे इटीरिया को हासिल थी जो मजलिस शूरा के अरकान थे। ये 5 अराकीन पर मुश्तमिल होते थे जो एफर्स या एफोर्स कहलाते थे। स्पार्टा के निज़ाम हुकूमत में बादशाहों के बाद मुमताज़ शहरियों की मजलस का मकाम व मरतबा था जिसको मजलिस बुजुर्गान यानी जेरोसिया कहते थे। ये मजलस 60 साल से ज़ायद उम्र के 28 अरकान पर मुश्तमिल थी जिनका इंतखाब स्पार्टा के शहरी करते थे। हुकूमती इदारों की तश्कील और स्पार्टा के दस्तूर की तैयारी मौरखीन के मुताबिक तकरीबन 600 कबल मसीह में एक शख्स लाइकर्गस के हाथ हुई। लाइकर्गस की इस्वानी उम्री में तजाद पाया जाता है। अफसानवी शख्सियत लाइकर्गस को अक्सर एक नीम अफसानवी कानून साज के तौर पर बयान किया जाता है जिसकी ज़िंदगी की तफसीलात वाज़े नहीं हैं और इसे कभी कभार स्पार्टा के लिए एक तश्कीली हीरो की हैसियत से जाना जाता है। लेकिन एक बात जिस पर मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं वो ये है कि वो स्पार्टा के एक कमसिन बादशाह खारीलाउस का बुज़ुर्ग अतालीक और मुतवल्ली था। वो एक ज़माने तक मिस्र, बाबुल और क्रीट में बहस मुबाहिस में मशगूल रहा और वहाँ के मशहूर लोगों से उसने मुलाकात की और इक्तसाब इल्म किया। फिर जब वो स्पार्टा वापस आया तो उसने यहाँ का दस्तूर तरतीब दिया जिसमें सियासी इमरानी निज़ाम सल्तनत का अक्स मौजूद था। हेरोडोटस ने लिखा है कि उसने ये दस्तूर जजीरा क्रीट के तर्ज दस्तूर पर तरतीब दिया था। थियोसिडीडीज़ के मुताबिक लाइकर्गस स्पार्टा के दस्तूर की तकरीबन जुमला खसूसियात का बानी था। अरस्तू ने इसे इख्तलाफ किया है और बताया है कि फोर्स या स्पार्टा की मजलिस पंजगाना की इब्तदा का सहरा बादशाह थियोपोपोस के सर है। इस बात से स्पार्टा के दस्तूर में तदरीजी तरक्की का तखयल पैदा हो जाता है। अफसानवी कानून देने वाले लाइकर्गस की अफसानवी शख्सियत से मंसूब स्पार्टन निज़ाम हुकूमत ज़्यादातर लेसिडीमोनियन के आयन से जाना जाता है। ये एक मकाला है जो कदीम यूनानी मौरख ज़ेनोफोन से मंसूब है जिसमें ज़माने कदीम के इदारों, रस्म व रवाज और तरीक़ों को बयान किया गया है। प्लूटार्क के मुताबिक लाइकर्गस ने 9वीं सदी कबल मसीह में सबसे पहले देवता अपोलो के डेल्फी मंदिर के एक ओरेकल से मशवरा तलब किया जिसकी वजह से इसका दस्तूर इलाने इलाही या रिट्रा के नाम से जाना जाता है। मुहक्किकीन के नज़दीक इस बात का पता चलाना बहुत मुश्किल है कि डोरियन रस्म और रवाज क्या थे और लाइकर्गस ने स्पार्टन के कौन कौन से इदारे की इब्तदा की थी। लेकिन लाइकर्गस की असलाहत और इसके बाद स्पार्टन आइन ने कदीम यूनान में सबसे ज़्यादा बाज़ाब्ता और फौजी ताकतवर रियासतों में से एक की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इनके असरात ने एक ऐसा विरसा कायम किया जो सदियों तक स्पार्टा की समाजी ज़िंदगी की क़्यादत करता रहा। ताहम लाइकर्गस की तारीखी हैसियत तारीखदानों के दरमियान बहस का एक मौजू है क्योंकि जो कुछ भी आज जाना जाता है वो बाद के ज़राए बशमूल ज़ेनोफोन और प्लूटार्क से मरवी है। इसके कानून के मुताबिक मुल्क में सिक्के का इजरा हराम था। स्पार्टनों को लोहे के ओबल, बार या थोक इस्तेमाल करने का पाबंद किया गया था जिसका मकसद खुद कफालत की हौसला अफजाई करना और लालच और दौलत के लिए ज़खीरा अंदोजी की हौसला शिकनी करना था। स्पार्टन का एक शहरी जो एक स्पार्टेट कहलाता वो था जिसमें लड़ाई की महारत होती, जंग में बहादुरी का मुजाहरा करता, इस बात को यकीनी बनाता कि इसके खेत पैदावारी हों और वो शादीशुदा हो और इसके सेहतमंद बच्चे हों।
स्पार्टन ख्वातीन वो वाज यूनानी ख्वातीन थी जिन्होंने अपने तौर पर जायदाद के हकूक हासिल किए थे और उन्हें शादी से पहले खेलों की मशक करना लाजमी होती थी। अगरचे इनके पास कोई बाज़ाब्ता सियासी हकूक नहीं थे लेकिन इनसे तवक्को की जाती थी कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और इनकी राय सुनी जाती थी। स्पार्टन माशरे की नुमाइंदगी हकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तीन तबकात वाले ढांचे पर मुश्तमिल थी, मुकम्मल शहरी या स्पार्टेट जो पेशावर सिपाही थे, पैरिविक्योई जो आज़ाद गैर शहरी थे जो आसपास के इलाकों में रहते थे, और हेलोटस जो रियासत के ज़ेर मलकियत किसान थे जो बुनियादी तौर पर ज़राइत के पेशे से मुंसलिक थे। माशरे में तालीमी निज़ाम जिसे अगोज कहा जाता था नौजवान स्पार्टन में नज़म बर्दाश्त और जंगी महारतें पैदा करने के लिए कायम किया गया था जो रियासत के लिए वफादारी और मुश्तरका इकदार पर जोर देते थे। बादशाहों के फ़राइज़ बुनियादी तौर पर मजहबी अदालती और अस्करी थे। वो रियासत के सरदार पादरी थे। हेरोडोटस के मुताबिक इनका काम सिर्फ वारसों का तायुन, गोद लेने के मामलात और अवामी सड़कें वगैरह बनाना रह गया था। दीवानी मुकदमात का फैसला ईफोर्स के ज़रिए किया जाता था और फौजदारी दायरे इख्तियार ईफोर्स के साथ साथ अमायदीन की एक कौंसिल को भेजे जाते थे। 500 कब्ले मसीह तक स्पार्टन आसपास की शहरी रियासतों के सियासी मामलात में तेज़ी से शामिल हो गए थे और अक्सर अपना वज़न स्पार्टन के हामी उम्मीदवारों के पलड़े में डालते थे। 500 कब्ले मसीह से कुछ अरसा कबल, जैसा कि हेरोडोटस ने बयान किया है, इसी तरह की कार्रवाई ने स्पार्टा और एथेंस के दरमियान तसादम को हवा दी जब दो बादशाह डेमारोटस और क्लियोमेंस अपनी फौजों को एथेंस ले गए। ताहम जंग की इब्तदा से पहले ही बादशाह डेमारोटस ने एथेंस पर हमला करने के बारे में अपना ख्याल बदल दिया और अपने साथी बादशाह को छोड़ दिया। इस वजह से डेमारोटस को मुल्क बदर कर दिया गया और बिलाखर 20 साल बाद 480 कबले मसीह में वो यूनान पर हमले के लिए फारस के बादशाह के साथ मिल गया, जिसके बाद स्पार्टन ने एक कानून नाफिज किया जिसके मुताबिक दो बादशाह मुकर्रर किए गए ताकि एक बादशाह स्पार्टा में पीछे रहे जबकि दूसरा जंग में फौजों की क़यादत करे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह महज फिगर हेड बन गए सिवाय इनके जर्नैलों की हैसियत के। हकीकी ताकत इफोर्स और जेरूसिया को मुंतकिल कर दी गई। अपनी ताकत का ज़्यादातर हिस्सा खोने के बावजूद बादशाहों ने मजहबी लिहाज से अपनी इज्जत बरकरार रखी। मौत के बाद इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। इफोर्स क्या थे? तमाम शहरियों की तरफ से मकबूल इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब किए गए इफोर्स आइन में एक जमहूरी अंसर की नुमाइंदगी करते हैं। इफोर्स मुतारफ कराए जाने के बाद वो दोनों बादशाहों के साथ मिलकर रियासत की इंतज़ामी शाख या ब्यूरोक्रेसी थे। खुद स्पार्टा में सबसे ज़्यादा ताकत रखते थे, हालांकि हकीकत यह है कि वो सिर्फ एक साल तक इक्तदार में रहते। इस चीज़ ने रियासत में पहले से कायम ताकतों के साथ तसादम की सलाहियत को कम कर दिया। चूँकि दोबारा इंतखाब मुमकिन नहीं था इसलिए एक इफोर जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता इसे इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। अगरचे 5 फोर्स अक्सरीती वोटों के जरिए मुंतखब शुदा बाकायदा कानूनी हैसियत देने वाले वाहिद अहलकार थे लेकिन अमली तौर पर वो स्पार्टन की सियासत में अक्सर कदामत पसंद कुव्वत समझे जाते थे। जेरोसिया क्या थे? स्पार्टा के यहाँ एक खसूसी पॉलिसी सा जेरोसिया एक कौंसिल थी जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के 28 बुज़ुर्ग शामिल होते थे जो ताहयात मेंबर होते। वो आम तौर पर शाही घरानों के लोग और दो बादशाहों पर मुश्तमिल थे। इस कौंसिल के ज़रिए आला रियासती पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया जाता और मुमकिन मुतबादल की तजवीज़ पेश की जाती थी। एकलिसिया क्या थी?
स्पार्टन के शहरियों का इजतमाई इदारा वोटों के जरिए मुतबादल में से किसी एक का इंतखाब करता। ज़्यादातर यूनानी कतुबैन के बरक्स स्पार्टन सिटीजन असम्बली यानी एक्लेसिया ना तो तय किए जाने वाले मसाइल का एजेंडा तय कर सकती थी और ना ही इन पर बहस कर सकती थी, सिर्फ इनके सामने पेश करदा मुतबादल पर वोट डाल सकती थी। वो ना तो गैर मुल्की सफारतखाने और ना ही सफीर असम्बली से खिताब कर सकते थे। उन्हें अपना मुकदमा जेरोसिया के सामने पेश करना पड़ता था, जो फिर एफोर से मशवरा करती। इस मंजूरी के बाद इनका कानून पास होता था।